हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। राखी सावंत एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें चलता फिरता एंटरटेनमेंट माना जाता है। यही वजह है कि उन्हें हर साल बिग बॉस से बुलावा आता है ताकि वो अपने दम पर शो की टीआरपी पर चांद चांद लगा सके। लेकिन अब राखी को का सबर बांध से टूट चुका है और सबके सामने उन्होंने अपनी बात रखी है। एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत बिग बॉस 15 के फिनाले के बेहद करीब पहुंचकर घर से बेघर हो गई है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से शो में जान डालने की पूरी कोशिश की, मगर बावजूद इसके वो इस सीजन भी ट्रॉफी जीतने में नाकामयाब रहे, बल्कि इस बार तो फाइनलिस्ट में शामिल नहीं हो सकी। ऐसे में अब घर से बाहर आने के बाद उनका दर्द छलक रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी राखी सावंत को मुंबई की सड़कों पर स्पॉट किया गया, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी बल्कि अपने पति रितेश भी उनके साथ नजर आए। मीडिया को सामने देख राखी सावंत के दर्द भरे आंसू छलकने शुरू हो गए और उन्होंने बिग बॉस 15 से बेघर होने और फिनाले तक नहीं पहुंचने पर निराशा व्यक्त की। बता दें कि एक वीडियो शेयर हुआ है जिसमें सुनाई दिया है कि मैं टिश्यू पेपर थोड़ी हूँ जो जब मन चाहे तब आप बुला लें और जब मन चाहे आप निकाल दें। आप मुझे जब भी बुलाएंगे तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे। मैं कोई टिश्यू पेपर थोड़ी हूँ। जब तक संतरे में जूस था तब तक इस्तेमाल करो, बाद में संतरे के छिलके की तरह फेंक दो। वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई बिग बॉस। बहरहाल राखी सावंत घर से बाहर आने के बाद अपने पति के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता रही है। उन्हें बुधवार को भी रितेश के साथ शहर में स्पॉट किया गया जहाँ इन दोनों ने पेप्स के सामने खड़े होकर पोज दिए। इसी दौरान राखी ने उन्हें जिम ज्वाइन करने की भी सलाह दे डाली थी। खुद राखी सावंत ने भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो रितेश के साथ डिनर डेट पर आनंद लेती नजर आ रही थी। वीडियो में चिकन के लिए अपना जाहिर करते हुए प्यार पति रितेश के साथ डिनर करने की बात बताती है। इसके बाद वीडियो में उनके पति रितेश नजर आने लगते हैं। लेकिन बिग बॉस का ये सब हाल कि हमेशा से टीआरपी के लिए लोगों को बुलाना और उनको फाइनल से पहले निकाल देना, इस चीज़ पर आपकी क्या राय है और विनर किसको चाहते हैं ये ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ।